पूर्वांचल में महामारी बन चुके AES और JEE पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले दस्तक योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित आम नागरिक भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। दस्तक योजना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि योजना का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री की आने की भी संभावना है। जिलाधिकारी इस विषय में बताते हुए कहे, जो वायरल संक्रमण की वजह से होता है, एक बार यह हमारे शरीर के संपर्क में आता है फिर यह सीधे हमारे दिमाग की ओर चला जाता है। यह एक खास किस्म के वायरल से होता है जो मच्छर या सुअर के द्वारा फैलते हैं, या यूं कहें कि गंदगी इंसेफेलाइटिस की सबसे बड़ी वजह है। दिमाग में जाते ही यह हमारे सोचने, समझने, देखने और सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। इंसेफेलाइटिस के शिकार ज्यादातर 1 से 14 साल के बच्चे और 65 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं। जी देखिए, 2 तारीख से लेके 16 तारीख तक दस्तक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के अंदर हर घर जा करके एक तरफ दस्तक मतलब कड़कड़ा करना है ANM आशा, उसी के अलावा जो ग्राम स्तर सारे कर्मचारी एक तरफ से अभियान तौर से चलाएंगे। खासतौर पे इसको तो स्वास्थ्य विभाग का जो भूमिका कराना था, टीकाकरण लगाना है, फॉगिंग कराना है, वहाँ जो बीमारी के बारे में जानकारी देना है और वहाँ का जो दवाई जो करना है वो सारे चीज़ जानकारी वहाँ घर घर जा करके देंगे। उसी के अलावा जहाँ सारे विभाग जो गांव लेवल में काम करने वाले चपरासी, चौकीदार, रोजगार सेवक, प्रधान, राशन डीलर, सब लोग का हम लोग एक तरफ से ट्रेनिंग अभी इस समय में करा रहे हैं। 19 ब्लॉक में यहाँ ट्रेनिंग इस समय में चल रहा है। एक तरफ से एक मुहिम है, एक पब्लिक मूवमेंट है ये। एक तरफ से इस पे क्या है, तो अभी मान लीजिए अप्रैल से धीरे धीरे जो ये इसका प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का, JEE एवं AES का खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग के पास एक ही तरीका है, गाँव को साफ सुथरी रख लें और मच्छर से दूर रखें, और किसी का बुखार हो जाएगा अचानक उसको तुरंत इलाज करा के सही कराएं, उसको हम लोग प्रचार प्रसार करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 तारीख का आने के लिए प्रस्तावित है कार्यक्रम, उसको उनका कार्यक्रमों से हम लोग उसको यहाँ से शुरू करेंगे उस कार्यक्रम का। पूरा जनपद में ये कार्यक्रम पूरा अगले 3-4 महीने तक चलेगा। हम लोग इस बार एक उम्मीद लेके जा रहे हैं, एक भी बच्चे JEE से मरना नहीं चाहिए इसी जनपद।